धनबाद में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बरवा अड्डा थाना के काशी टांड की है, जहां पुरानी दुश्मनी के चलते साले ने जीजा को पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले साले ने जीजा की हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस को साले पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो साले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रोचक और इंटरेस्टिंग मामला है, जिसमें खुद वादी ही मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है और उसने खुद ही अपनी जीजा की हत्या की थी और उस केस का वादी बन गया। सबके दायरे में कैसे आया? इसमें हम लोगों को कुछ सूचना थी और जब हम लोग वादी से भी पूछताछ कर रहे थे तो उसके बयानों में काफी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था। जब उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोगों ने ठीक से जांच की तो पाया कि वादी कई बिंदुओं पर अपने बयान झूठ दे रहा है। तो जब कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो सारी बातें फिर सामने आई और इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में एक्सेप्ट किया। तो जीजा साले के बीच में किस तरह के विवाद था, क्या कोई? ये दुर्गा पूजा के समय में कुछ पैसा को भी लेके मारपीट हुई थी और घटना के दिन भी इसने जीजा को जब शराब पिलाया था तो जीजा के पॉकेट में जो पैसे रखे हुए थे और मोबाइल वगैरह रखा हुआ था वो ले लिया था। तो जीजा को जब हल्का होश आया तो जीजा ने पैसा और मोबाइल मांगने की कोशिश की, जिसको इसने देने से मना किया तो उसने सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी साले पर हत्या का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।